सभी को जय जिनेन्द्र और जीन पार्चल बाय शिवानी में आपका वापस से स्वागत है। और जी हाँ, मैं हूँ मलेशिया में। जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया कि मैं आपको मलेशिया का जैन मंदिर दिखाने वाली थी कैसा है, तो आज मैं उसकी फाउंडर को आपसे मिलाने वाली हूँ कि वो कैसी है, क्या है, यहाँ पे वो प्रतिमा कैसे लेके आई, कौन से मूल नायक भगवान है, सारी बातें अपन, सारी जर्नी इवन मंदिर। बिकॉज जो हम जैसे हमारे इंडिया में होता है कि यदि कोई मंदिर की नींव रखता है तो बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारी गोलियां लगती हैं, पर यहाँ इन्होंने कैसे एक छोटा सा मंदिर सेटअप किया हुआ है, ये सारी बातें मैं इनसे जानना चाहूंगी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक्चुअली मैं भैया से तो वाकिफ हूँ, पर मैं भाभी से पहली बार मिल रही हूँ। आप अपना बताएं, आपका नाम और आप कहाँ से हैं, और मुझे एक चीज जिसके बारे में बताएं कि इसका आइडिया आपको कैसे आया। मेरा नाम तितली है। हम लोग बेसिकली जयपुर से हैं, राजस्थान से। हाँ। और हम लोग प्रमाण सागर जी महाराज के दर्शन करने के लिए गए थे, महावीर जी। तो उन्होंने, महावीर जी से पहले वो विराजमान थे, उन्होंने हमें आइडिया दिया कि आप मूर्ति लेके जाइए। और थोड़ा सा पहले तो हम घबराए कि हाँ, कैसे मैनेज होगा, क्या कैसे करेंगे, पर उन्होंने बोला बारिश के पानी से रोज कलश कर सकते हैं। अच्छा, तो आप यहाँ पे इनका रोज प्रक्षाल करते हैं? हाँ, प्रक्षाल जी रोज करते हैं। ओके। हाँ, गंधोदक रोज लगाते हैं। हाँ। ओके। यदि फिर आप इंडिया जाएं महीने भर के लिए अभी तो? हाँ, अगर इंडिया जाते हैं तो हम लोग गेट बंद करके जाते हैं, क्योंकि हाँ, यहाँ पर आसपास और नेशनैलिटी के लोग भी रहते हैं। हाँ। तो थोड़ा सा हम उनके पास चीज छोड़ के जाना प्रिफर नहीं करते। ओके। पर हाँ, एक महीने के लिए, ये स्फटिक की मूर्ति है, धातु की मूर्ति नहीं है, चंद्र प्रभु भगवान की मूर्ति है। ओके। तो स्फटिक की मूर्ति में उन्होंने बोला कि अगर रोज कलश ना हो, एक महीने हाँ, का जैसे ब्रेक होता है क्योंकि हॉलीडेज में हम लोग इंडिया जाते हैं, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इसमें मूर्ति की कोई अवहेलना नहीं होती, धातु की मूर्ति के रोज कलश हुए। ओके। तो जैसा आपने बताया कि इसको कितना टाइम हो गया यहाँ पर प्रतिमा जी को लाए, और हमें 2 साल से ऊपर हो गए यहाँ पर। ओके। रफली 2 इयर्स हो गए। तो जैसे पर्यूषण है या नॉर्मल लाइफ है, हाँ, लोग आते होंगे दर्शन करने, हाँ, तो दिक्कत नहीं होती? बिल्कुल दिक्कत नहीं, यही आपका घर है? नहीं नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, सबका मोस्ट वेलकम है। और लोगों के आने से हमारी भी भावना बनी रहती है, क्योंकि हाँ, जैसे आप ही आए हैं, फ्लाइट हाँ, है आज की आपकी, हाँ, चाहे कितना भी रशिंग हो लेकिन दर्शन करने आए हैं, तो हमारी हाँ, भी भावना लोगों को देख के बन जाती है। ओके। कि हाँ, कितना है तो हम भी क्यों ना करें। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, तो ये एक और चीज बताइए ना कि अभी जब आप ये प्रतिमा लाए, उसके बाद आपको कुछ अपने घर में या अपने माहौल में, अपने विचारों में आपको कुछ बदलाव लगा कि यार ये चीज थी जो शायद हम पिछले 13, बिकॉज आपने बताया आप शायद 15 सालों हाँ, से यहाँ मलेशिया में हैं, तो आपको क्या बदलाव लगा कि यार ये बदलाव है जो मैं बहुत साल से मिस कर रही थी, शायद जो मुझे लगा कि अब पूरा हो गया? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि बदलाव तो है ही, विचारों में भी चेंज होता है। हाँ। अपनी भावनाएं भी ये होती हैं कि चलो अपन लाइक सपोज रोजमर्रा के जो अपने भाव होते हैं उनमें हाँ, हमें चेंज फील होता है, जैसे क्रोध, ऑब्वियसली क्रोध आता है किसी हाँ, न किसी बात पे, लेकिन हम एकदम से एक स्टेप बैक ले लेते हैं कि नहीं नहीं, मूर्ति घर में और हम यहाँ गुस्सा कर रहे हैं। ओके। या फिर इनकेस कुछ भी अहंकार की कोई भावना, नेचुरल जो भी हाँ, हमारे ह्यूमन बींग्स हाँ, हाँ, तो अगर कोई भी ऐसी भावना अहंकार ईर्ष्या आती है तो आप उसी वक्त आपको रियलाइज होता है कि नहीं नहीं, मूर्ति घर में, क्योंकि मूर्ति का ऑरा इतना होता है कि आप जरूर प्रभावित होते हो उस ऑरा से। ओके। तो हमें फील होता है कि नहीं नहीं, मे बी आई एम रॉन्ग दिस टाइम, मूर्ति है घर में और हम ये कर रहे हैं, तो आपको इमीडिएट रियलाइज होता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके। बहुत अच्छे। ये पर्सनली मैंने फील किया है कई बार कि हाँ ठीक है, जो नेचुरल फीलिंग्स है वो आती है, लेकिन कंट्रोल करना भी हमें आता है। ओके। कोशिश करते हैं। हाँ। तो अब मुझे अब एक और चीज ये बताइए ना, आपने कभी सोचा था कि जैसा आपने बताया कि आप दोनों का बैकग्राउंड, भैया का भी और आपका भी, इतना ज्यादा शायद धार्मिक नहीं था, जैसे लोग होते ना कहते कि यार हम तो इतने धार्मिक नहीं है, हमको समझ नहीं आता ये मंदिर वगैरह, या विदेश में रह के तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है, तो आप ऐसे लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहें कि आप कहीं भी रहें पर यदि थोड़ा सा आप करना चाहें तो हो सकती है चीजें? डेफिनेटली। अगर हम अंदर से फील करें और अगर हम बहुत ज्यादा भी, अगर आप बंद के नहीं रहना चाहते हैं हाँ, तो डेली रूटीन में अपना खाना पीना आप सेम फॉलो कर सकते हैं, लाइक जो भी आप खाते पीते चले आए हैं नॉर्मल रखिए। दर्शन का भी बहुत महत्व है, गंधोदक यहाँ मिल रहा है उसका महत्व है, प्लस स्वाध्याय का ही मेन महत्व है। हाँ। तो खाने पीने से बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है हम लोग, हाँ, कि बहुत ही ज्यादा त्याग हो या बहुत ज्यादा हमने किसी टाइप की आजीवन कोई
नियम ले रखे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ कंटिन्यू करते हुए भी आप मूर्ति घर में रख के अपने भाव, क्योंकि मेन अंदर के भावों से है। तो बिल्कुल आई वी बिलीव इन स्वाध्याय एंड दर्शन गंगोदक मोर देन एनी अदर नियम। चीज में वाइंड अप करूं, पर एक चीज और मैं इसमें डालना चाहूंगी कि कई लोग सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादा शुद्ध प्रतिमा आप कैसे यहाँ तक कैसे लेके आए, ये सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में भी पहले आया था। वो और बताएं, हम लोग वेदी वगैरह एक्चुअली जो मंदिर का बेस का जो क्रेडिट जाता है यहाँ पे विराजमान करने का, वो मैं ये नहीं कहूंगी कि 99% अगर से 100% मेरे हस्बैंड को ही जाता है। ओके, क्योंकि इनकी भावना थी या इनके ऐसे पुण्य कर्मों के उदय थे, तो इन्होंने वहीं से सारा सेटलमेंट किया, वहीं से वेदी लाए संगमरमर की, और वहीं से मूर्ति को हम ऐसे नंगे पांव आना पॉसिबल नहीं है। Exactly, हम चावल के डब्बे में बहुत ही सेफ वे में, मूर्ति इज नॉट सो बिग, 7 inches की मूर्ति, तो हम लोग चावल के डिब्बे में रख के और हैंड कैरी में एकदम सेफ वे में लेकर आए। ओके, हैंड कैरी में से तो उससे महाराज जी से मतलब पूछ लिया था आपने, मतलब सब कुछ उनसे पूछे, मंत्रों से शुद्ध पंचकल्याण मूर्ति है, तो बहुत रिस्क। नहीं, हमने सारा उनकी गाइडेंस लेके कि कैसे लेके जाना है, किस दिशा में मूर्ति का फेस होना चाहिए, और अपनी नाभि से ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं, क्योंकि नीचे का पार्ट अपने यहाँ शुद्ध नहीं माना जाता, अवहेलना होती है, तो मतलब नाभि से ऊपर रखना चाहिए। और वो जो सारी चीजें उन्होंने बताई हमने वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड फॉलो करके ही लाएंगे। बहुत ही अच्छी बात, जिसको मैं अच्छा लगा आज मुझे इनसे मिलकर। और जब जैसे ही मैं यहाँ आ रही थी तो मुझे मेरे मंदिर की एक आंटी ने बताया कि यहाँ ऐसे कोई लोग रह रहे हैं जिन्होंने इस तरीके से अपने घर में मंदिर बना रखा है। मैं तो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, और आज मैंने आपको मिलाया इनसे जिन्होंने अपने घर में मंदिर बना के रखा है। तो ये मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए जो बाहर विदेशों में रहते हैं और सिर्फ एक्सक्यूज देते हैं कि हम तो विदेश में रहते हैं, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, या हम तो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। तो ये दिखली जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारी समाज में, जो आज भी धर्म की धरोहर को पकड़े हुए हैं और उसको इसी तरह से आगे बढ़ा रही है। और इससे मेरा एक कनेक्शन ये भी है कि ये फैमिली भी जयपुर से बिलोंग करती है और मेरी शादी भी जयपुर हुई है, सो एक और मैं इनसे कनेक्शन फील कर पा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, एंड थैंक यू सो मच कि आपने वापस यहाँ पे हमें एक बार दर्शन कराए भगवान जी के। और बस हम इसी तरह से आपको मतलब कहेंगे कि आप बस और भी लोगों को इसी तरह से प्रेरित करें। और आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके हस्बैंड बैठे हुए हैं ऑफिस जाने के लिए। एक्चुअली शायद पर्सन तो वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं, बट वो बैठे हुए हैं और हम यहाँ पे देखिए इंटरव्यू कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। और आज आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए जैन पाठशाला बाय शिवानी। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।